अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 मई के हवाले से नेशनल सेविंग स्कीम की बड़ी अपडेट सामने आ गई। नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया ने 1 मई के मौके पर बड़ा फैसला ले लिया। आलमी यौम मजदूर 1 मई का दिन, जिससे हर शख्स बाखूबी वाकिफ है। शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यह दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन की मुनासबत से नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया ने सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करते हैं इसी वीडियो में। उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल सच सवेरा को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो खबर अब गर्दिश कर रही है, कहा जा रहा है कि 1 मई के मौके पर नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया की जानिब से नेशनल सेविंग स्कीम के सार्फिन और बहबूद सर्टिफिकेट होल्डर हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। वो क्या खुशखबरी है, सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है कि मुनाफे की शरह को 23% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। इसी हवाले से जब खबर की हकीकत जानने के लिए हमने नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया से राबता किया तो नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया ने खबर की तरदीद करते हुए कहा कि अभी तक हतमी फैसला कोई नहीं किया गया। अलबत्ता जैसे ही कोई हतमी फैसला होगा हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे।